राफिया नाज भी जुड़ चुकी है, बीजेपी की स्पोक पर्सन है हमारे साथ। राफिया नाज जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। राफिया नाज जी, 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है राफिया नाज जी आप लोगों को? और इस बार जो महिलाएं हैं, महिलाओं को साधने की बहुत कोशिश की गई है, गोगो दीदी योजना से आपने साधने की कोशिश की, मैया सम्मान योजना से सत्ता पक्ष ने साधने की कोशिश की, तो क्या लग रहा है महिलाओं का जो जोर है वो किस ओर ज्यादा दिखेगा इस बार? सबसे पहले तो मनीष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि मैंने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया, तो सभी जितने भी हमारे झारखंड के भाई बहन हैं, घर से बाहर निकले और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इस त्यौहार को हम सभी को मिल करके मनाना है, और आपका एक मत बहुत ही कीमती है जो राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। और रही बात की महिलाओं को साधने की, तो हमेशा महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम ये JMM और ND गठबंधन करती आ रही है। जिस तरीके से इन्होंने एंड टाइम में, गवर्नमेंट के एंड टाइम में 1,000 रुपया ला करके जिस प्रकार से महिलाओं को बेवकूफ बनाया, इसके एवज में वो चाहती तो पूरे 5 साल का इंस्टॉलमेंट पे करती, पर 5 साल का तो उन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया। और 1,000 रुपया देने की जगह में भी कई ऐसे क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम भी मैं बता सकती हूँ, उस क्षेत्र में 1,000 रुपया देने के बदले में अकाउंट के नाम पे 1,000 रुपया महिलाओं को ठगा गया है। उस क्षेत्र में से बड़गाई नाम का क्षेत्र भी एक क्षेत्र आता है जहाँ पे महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है, और मात्र 1,000 रुपया देकर के आप महिलाओं का हक छीन लिए, 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा का। इसके साथ साथ महिलाओं को आप जो शिक्षित करने का हक और अधिकार देने की बात किए थे, UGPG की परीक्षा को मुफ्त करवा करके, तो वो मुफ्त शिक्षा का भी आप लोगों ने हक छीना। इसके साथ साथ बहनों को, जो बहनों को आपने वादा किया था गवर्नमेंट ने कि बहनों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको तुरंत इंसाफ मिलेगा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मनीष जी कि जिस आधी आबादी को ठगने का प्रयास ये JMM और ND गठबंधन कर रही है, तो उस JMM और ND गठबंधन को ये जवाब देना चाहिए कि आप महिलाओं की बात करते हैं पर महिला आयोग नहीं है, महिला बैंक नहीं है, 90% पुलिस स्टेशन में महिला उपनिरीक्षक नहीं है, तो किस तरीके से आप महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं? महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस को खोलने की बात की गई थी, कहाँ इन लोगों ने खोला? जो भी खोला गया है, जितना भी मेडिकल कॉलेजेस, वो तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ खोला गया है। तो राज्य की जनता और महिला बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अब वो कांग्रेस और JMM के लिए वोट बैंक बन करके नहीं रहेगी, अब महिलाएं आगे बढ़ेगी, सशक्त बनेगी, और इस भारत का, झारखंड के साथ इस भारतवर्ष का भी, हमारे भारतवर्ष का भी प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन बात की जाए, देखिए यहाँ तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाइए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैया सम्मान योजना की बात की जाए तो कुछ लोग इससे खुश भी हैं, कई महिलाएं इससे खुश भी हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना तो लाई, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये जो मैया सम्मान योजना की ये जो कार्ड लेकर आया गया गोगो दीदी योजना, उसका असर कहीं फील्ड में दिखा भी आप लोगों को? देखिए, मैया सम्मान योजना का कार्ट अगर आप कहेंगे हमारा गोगो दीदी योजना का, तो ये कार्ट नहीं है। हम तो महिलाओं को कब से सशक्त करने का कोशिश कर रहे हैं और सशक्त कर भी रहे हैं, चाहे वो MSME के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे लाडली बेटी योजना के तहत महिलाओं का बैंक खाता खुलवाना हो, तो ये तो केंद्र सरकार कई वर्षों से ये कार्य कर रही है, हमारे लिए ये कोई नया नहीं है। 1 रुपये में हम महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक दिया करते थे, वो हक छीना गया। महिलाओं की आवाज को बुलंद करना, महिलाओं को तुरंत इंसाफ दिलाने के लिए 181, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जनसेवा का एक नंबर हुआ करता था, जिस नंबर को इस गवर्नमेंट में आते ही आते उस नंबर को चेंज कर दिया गया। क्यों, आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी को इतना खौफ है कि वो जनता से संवाद नहीं करना चाह रहे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाह रहे? तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, हेमंत सोरेन जी को, तो उनके पास तो कोई इस तरीके का जवाब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कार्य करते आई है महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड, चाहे वो 33% आरक्षण हो, महिलाओं को सोचिए ना, 60 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, इस 60 साल में चाहती तो वो महिलाओं को आरक्षण देती 33%, ताकि महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए राजनीति में। पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ना हो, सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट बैंक बन करके रहे, इससे 33% आरक्षण भी नहीं लाया। ठीक उसी के तर्ज पे आपको याद होगा कि रेणुका चौधरी जी क्या कहती है, रेप इज कॉमन, जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, और उसी के तर्ज पे आज झारखंड में आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, पर राज्य की सरकार सोई हुई है, महिलाओं और बेटियों को इंसाफ नहीं। हमारे संविधान में अपने एक एक मत के प्रयोग से हमें अपना
भविष्य तय करना है प्लान का। आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आज हमें अपने पांच साल का भविष्य तय करना है। मैं अपील करना चाहूंगा सभी झारखंडवासियों के, सभी गढ़वासियों के, आपका मत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकले, इसे जाया ना जाने दें और अपना अपने मत का प्रयोग जरूर करें ताकि जो लोकतंत्र में व्यवस्था की गई है कि अपना जनप्रतिनिधि चुनकर अपने क्षेत्र का विकास करना करवाना और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके घर तक पहुंचे इसको सुनिश्चित करवाना, तो सभी लोग अपना मतदान अवश्य करें। तो यही अपील करेंगे। चुनाव में अभी लगभग 15% मतदान हुआ है तो सर कहीं 13 कहीं 12 तक इच्छा है, इस बार तो 5 बजे तक का समय है ज्यादातर क्षेत्रों में, तो मतदान प्रतिशत बढ़ना है। सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, चुनाव आयोग ने बहुत सारा ऐसा प्रयास किया है कि लोग मिलेंगे और मतदान करें। बढ़ जाती है अपने बड़े बुजुर्ग सबको लेकर मतदान केंद्र आए और मतदान करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सभी के लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग सब मन की आवाज है और मन में ये आपको सबको पता हो और हमारा गर्वा देखिए उनकी ड्यूटी भी साथ में है, युवा भी है और मैं तो सबसे पहले यूथ से ये अपील करना चाहूंगी कि यूथ को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है और उनका वोट सबसे ज्यादा काउंट करता है। तो हम अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट जरूर करें क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सुन रहे थे अभी मिथिलेश ठाकुर को, तो उनका कहना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा घरों से लोग निकले और मतदान करें। राफिया नाथ जी के पास हम रुक कर लेते एक बार फिर से। राफिया नाथ जी, यहाँ पर देखिए बात की जाए तो मैया सम्मान योजना जैसी योजना को लेकर सत्ता पक्ष मैदान में है, आप लोग घुसपैठ का मुद्दा भी आप लोग लेकर मैदान में हैं, तो आपको लगा कि आप लोगों ने जितना घुसपैठ का मुद्दा अभी कुछ महीने पहले उठाया, क्या चुनाव के दौरान उतना घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया या फिर उतने घुसपैठ के मुद्दे पर आप लोगों ने काम किया? देखिए मनीष जी, घुसपैठ एक मुद्दा नहीं है, घुसपैठ झारखंडियों और झारखंड के भाई बहनों का दर्द है। जिस घुसपैठ से झारखंड के भाई बहनों को नुकसान पहुंच रहा है और ये बहुत समझने वाली बात है कि आपके घर में अगर आपके घर को कोई दीमक की तरह खोखला करेगा तो उस दीमक को आप जड़ से मिटाएंगे या फिर उस दीमक को बने रहने देंगे जिससे कि आपका घर खोखला होकर के एक दिन ढह जाए, या फिर आप जो चोर रहेगा आप उस चोर का अवगत करेंगे या फिर चोर को लात मार के निकालेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो घुसपैठिए होते हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं अगर झारखंड में, तो झारखंड से उस घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालना है। क्योंकि जब से हमारी सरकार आई है तब से हम लोगों का यही प्रयास रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, और जो 60 साल में जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में घुसपैठ हुआ है, चाहे वो झारखंडी क्यों ना हो, तो उस हर एक जगह से घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालना, जो काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार कर रही है। पर यह समझने की जरूरत है कि राज्य की सरकार को भी हाथ मिलाना चाहिए केंद्र की सरकार से और घुसपैठ को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहिए साथ मिलकर के, ना कि घुसपैठियों का संरक्षण करना चाहिए। घुसपैठ कहां से सही है और किस प्रकार सही है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी पंथ से आता हो, अगर वो हमें नुकसान या हमारे घर को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो हम उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे जो इलीगली वे में झारखंड में आकर के यहाँ की बहन बेटियों के साथ उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये ना केवल झारखंड की बहन बेटियों को खतरा है, ये पूरे भारतवर्ष को भी खतरा है। जिस प्रकार से झारखंड में, चाहे वो संथाल का क्षेत्र हो, वहां पे घुसपैठ का मामला बढ़ते जा रहा है। और रही बात की मैया सम्मान योजना पे, तो मुझे हंसी इसलिए आती है कि आप 1,000 रुपये तो दे रहे हैं, पर उस 6,000 रुपये का क्या होगा मनीष जी, कि जिस 6,000 रुपये को गढ़वा में, आपको शायद याद होगा कि गढ़वा में इनके मंत्री है और इनके ही क्षेत्र में 6,000 रुपया लेकर के एक गर्भवती महिला को खून बेचा गया था। तो एक हाथ से आप 1,000 रुपये दे रहे हैं और दूसरी तरीके से आप 6,000 रुपये लेकर के खून बेच रहे हैं, और वही कोविड के काल में आप कफन देने का काम करते थे मुफ्त में, तो आप मुफ्त में कफन जब दे रहे हैं तो फिर धनबाद के
एमजीएम अस्पताल में एक मृत शरीर को छुड़वाने के लिए एक हमारी आदिवासी बेटी को अपने घर का सामान क्यों बेचना पड़ गया? तो इन सारे सवालों का भी जवाब झारखंड की सरकार को देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहनें ठगे जाने वाले नहीं है, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब इनको जितना ठगना था, जितना बेवकूफ बनाना था, ये बना लिए। पर अब झारखंड की जनता समझ चुकी है और बहुत समझदार हमारे भाई बहन है, तो बखूबी। अच्छा, हमने देखा, हम आदिवासी, कई आदिवासी महिलाओं से मैंने मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की, कई आदिवासी पुरुषों से भी हम लोगों ने बातचीत की, मतलब आदिवासी समाज के ओवरऑल हमने कई लोगों से बातचीत की। बड़े सीधे और बड़े सिंपल लोग हैं। अब चूंकि आप लोग तो नेता लोग हैं, आप लोग को टेक्निकल चीज़ मालूम है, तो ये जो टेक्निकल चीज़ है, आप कैसे उन लोग को समझा रही हैं? घुसपैठ उन लोग को समझ नहीं आ रहा कि कई लोगों को तो हिंदी नहीं समझ में आती है, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर कई लोग हिंदी नहीं समझ पाते। तो ऐसे में एक मिनट हम आपके पास आते हैं। लाला जमीन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जमशेदपुर से। लाला जमीन, आपको आवाज आ रही है? लगता लाला जमीन से हमारा संपर्क टूट गया। हाँ, तो हम आपसे चर्चा ही कर रहे थे कि बड़े सीधे और सिंपल लोग होते हैं, तो ये टेक्निकल चीज कैसे समझाएंगे आप? देखिए, उनको तो अगर सीधे उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उनको ये समझ में आ रहा है कि नई चीज, देखिए हमको तो सरकार पैसा दे रही है, अब उन्हें क्या मालूम घुसपैठ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें कैसे समझा रही है आप लोग फील्ड में? देखिए, यही तो बात है कि 60 साल जब कांग्रेस का राज रहा तो इन्होंने पढ़ने लिखने ही नहीं दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सेम उसी प्रकार से झारखंड में झारखंडी भाई बहनों को पढ़ने लिखने नहीं दिए, तभी तो यहाँ परीक्षाएं करवा करके रद्द करवा दी गई, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ पे अच्छे विश्वविद्यालय यहाँ पे इन लोगों ने शुरू नहीं किए, इसके साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय उनकी हालतों को भी खराब कर दिया झारखंड सरकार ने, और इसके साथ साथ यूजी पीजी के जो मुफ्त की बहन और बेटियों की मुफ्त की शिक्षा की बात कहते हैं, इन्होंने वो भी मुहैया नहीं करवाया, और झारखंड की जनता आंख से देख रही है कि सिर्फ 2 महीने का आप इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करते हो, उसमें भी कई एरर्स आते हैं, तो क्या झारखंड की जनता समझ नहीं रही है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता को इतना मतलब ये लोग ठगते जाएंगे, बेवकूफ बनाते जाएंगे, तो यहाँ की जनता ठगाने वाली है, क्योंकि ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा के खून से सींचा हुआ झारखंड है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेदपुर से जुड़ चुकी है लाला जमीन। लाला जमीन, क्या किस तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है इस वक्त जमशेदपुर में? और सबसे बड़ी चीज ये है, क्या घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए, और क्या परसेंटेज चल रहे हैं वोटिंग के? महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस बार वोट में, पिछले बार और इस बार की अपेक्षा में क्या अंतर दिख रहा है आपको? बिल्कुल, अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे, देखा अभी जो पहला टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन जिस तरीके से मैं इस वक्त खड़ी हूँ जेलिंगोरा, जहाँ पे चंपई सोरेन वोट गिराने आएंगे, तो अब कुछ समय की देर बाद ही यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगा। तो मैं लेकिन सबसे पहले बता दूं यहाँ पे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो परसेंटेज होना चाहिए वोटिंग का, वो बहुत ही स्लो चल रहा है। यहाँ पे बड़ा बात करें बहरागोला में तो 13.77 है, और है ना घाटशिला में 12.73 है, और पोटका में 12%, और जुगसलाई में 9%, और जमशेदपुर पूर्वी जो है 11% पे, और जमशेदपुर पश्चिमी में जो है वो सबसे पीछे चल रहा है, 9.7 जो है वहां पर परसेंटेज अभी तक गिरा है। लेकिन यहाँ पे वोटिंग की बात करें तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के बनिस्बत ज्यादा वोटिंग हो रहा है। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ जेलिंगोरा, वहाँ पे यहाँ पे देखा जा रहा 681 वोटर है, और अभी भी वहाँ पे लगभग जो है शाम तक वहाँ पे 90% वोट यहाँ पे हो जाता है। तो मैं बात बता दूं कि शहरी क्षेत्र के बनिस्बत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा है, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं फिलहाल, लेकिन जितनी जो उत्साह जो देखने को मिलती थी हर चुनाव में, वो इस बार जो है वो थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। लोग निकलेंगे भले अब थोड़ा समय बीत रहा है, समय बीतने के बाद जो है निकल सकते हैं, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह बहुत ही कम है। शहरी क्षेत्र में सभी जितने भी प्रत्याशी हैं वो आकर अपना वोटिंग जो अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से निकले और वोट गिराए, और लोगों जो भी हमारे प्रत्याशी हैं जो प्रत्याशी सर उन्हें अपना वोट दें। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो जागरूक अभियान चलाया गया था वो यहाँ पर कितना अहम
मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लगातार जो है परसेंटेज की जो प्रक्रिया है वो अभी तक बढ़ नहीं पाई है, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय बना हुआ है। लाला जमीन, एक चीज और भी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस तरह से अधिकारी जागरूकता अभियान चलाते हैं जैसे ही चुनाव को लेकर, वो अभियान क्या आपको लग रहा है कि सक्सेस हो पाया है? जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर आप देख रही हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में, क्या वो सक्सेस हो पाया है? और जब ये अभियान चलाए जाते हैं तो ये अभियान क्या कुछ ही हिस्सों या कुछ ही दायरों में सीमित होकर रह जाता है, लोगों तक वो अभियान ज्यादा पहुंच नहीं पाता? ये कहना अभी मुश्किल होगा कि अभी अभी काफी समय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सुबह का वक्त है, लोग घर से कुछ भी, किसी को भी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जिला प्रशासन जागरूक अभियान चलाता है वो अब उसका कितना असर पड़ा है वो अभी शाम तक पता चल पाएगा। क्या है कि जिस तरीके से परसेंटेज गिर रहा है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जागरूक कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक अभियान जो चलाया गया था वो कहीं ना कहीं कारगर हो रहा है। इस बार क्या क्या किन मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और वोट डालने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पे जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में, तो जहां तक बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आ रहे हैं वोट गिरा रहे हैं, जिस तक उनका तो कहना है कि बस हमारे क्षेत्र की जो है क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं पे देखा जा रहा है कि मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में तुम आपको रुख कराऊंगी, यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मैं बात भी करने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से ये पूरा मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ये पूरा जेलिंग हो रहा है, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जो है वो यहाँ पर यहाँ के हैं और कुछ समय बाद वो यहाँ पे पहुंचने वाले भी हैं। तो मैं और ग्रामीण से बात करूंगी कि किस तरीके से वो यहाँ पे ये करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर वो लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो मैं दिखाना कोशिश करूंगी। ये आप लोग का इस बार क्या मुद्दा रहेगा? आप लोग यहाँ के ग्रामीण हैं तो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनसे क्या मुद्दा है इस बार, आप लोग क्या चाहेंगे, किस तरीके की सरकार बननी चाहिए? मुद्दा देखिए, गरीबों के लिए जो सोचे विचारे, गरीबों का हक अधिकार के लिए जो ये करे, मुद्दा वही रहता है, हमेशा रहता है, अभी भी रहते हैं मुद्दा वही सब, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य यही सब है और कुछ नहीं। और हमारे दादा जो है वो सब में बहुत कुछ ध्यान देते हैं, जब मंत्री नहीं गए तो उस समय भी ध्यान दें, अभी भी ध्यान देते हैं, यही सब मुद्दा और कुछ नहीं। तो आपने मुद्दा सुना कि किस तरीके से इनको सभी तरीके का यहाँ पे विकास चाहिए, चाहे कई मुद्दे हैं, और वहीं पे और भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो कतारें हैं वो तो लंबी नहीं है, लेकिन वोट यहाँ पे बढ़ रहे, अपने लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से, क्या आप लोग क्या अहम मांगे हैं यहाँ पे? उधर बात की तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सब लोग वोट गिराने आए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बात करने से कतराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी। महिलाएं हैं, ये बताइए कि वोट गिराने आई हैं, हाँ। क्या मुद्दा लेकर क्या मांग करेंगी सरकार से कि सरकार कैसी सरकार बननी चाहिए? कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, कैमरे के सामने फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है लाला जी, बिल्कुल ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम राफिया नाथ जी आपका रुख कर लेते हैं एक सेकंड। राफिया नाथ जी, यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, मुद्दों की बात करें तो मुद्दे जो है, अगर क्षेत्रीय मुद्दे तो रहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा ये सब तो मुद्दे रहते हैं, बिजली पानी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अंततः वोट लोग सिंबल पर जाकर डाल देते हैं कि भाई हमको हम इस सिंबल को पसंद करते हैं, हम इस सिंबल को पसंद करते हैं। इसलिए भी आज की डेट में देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में उतना विकास नहीं हो पाया है।
देखिए ये आपने जो ये बात कही है बिल्कुल सही है, पर लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से उन्हें 5 साल सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके बच्चों को सड़क पे बैठा करके पढ़ाया गया, तो जनता को इस चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक तरीके से ठगने के लिए चलाया गया। और ये लोग आप देखेंगे कि मतलब गढ़वा हो, पलामू हो, इन सारे क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आप जाकर के देखेंगे कि बच्चे सड़क में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, शशांक का रुख करते हैं। हाँ, ठीक है, शशांक का रुख आपके पास, हमारे संवाददाता शशांक भी जुड़े हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हजारीबाग से। शशांक, किस तरह का माहौल लग रहा है और 2019 और 2024 की तुलना करें तो किस तरह से अंतर देखने को मिला? हजारीबाग में वोट परसेंटेज कितना है और मुद्दे क्या है इस बार लोगों के दिलो दिमाग में? देखिए मनीष, अगर बात की जाए मुद्दों की तो मुद्दा विकास है और विकास के मुद्दे पे ही लोग वोट कर रहे हैं। अगर बात की जाए अभी तक की परसेंटेज की तो 9 बजे तक जो परसेंटेज हजारीबाग सदर विधानसभा में निकल कर आया है वो 11% के लगभग मतदान हुआ है। थोड़ा सा मतदान स्लो है चूंकि ठंड का समय है, सुबह लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन अब मतदाता निकलने लगे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा हजारीबाग के अभी हम बिहारी बालिका मध्य विद्यालय में मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी यहाँ से मतदान करके गए हैं। और अगर बात की जाए कट गया है शशांक, आपको आवाज आ रही है? शशांक, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, लगता है शशांक से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। आप रफिया नाथ जी, यहाँ पर देखिए वही बात हो रही थी आपसे, स्थानीय मुद्दे हैं बिजली, पानी, सड़क, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, चाहे विधायक कोई भी हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर ये लोग समय रहते चीज़ों को पूरे कर दे तो आपको नहीं लगता है कि आज के समय में फिर इतनी क्या नाम है तकलीफ हुई ना, गाँव, हर एक गाँव हाईटेक सिटी बन जाए? जी बिल्कुल, अगर समय रहते, अगर 5 सालों में कार्य किया जाता तो जिस तरीके से झारखंड आज पीछे चला गया है तो झारखंड इस तरीके से पीछे नहीं जाता। 5 साल सिर्फ ये सत्ता के लिए लड़ते रहे, 5 साल सिर्फ ये पद के लिए लड़ते रहे, अगर ये पद की लड़ाई की जगह ये युवाओं के भविष्य के लिए लड़ते और ये जो लाठियां युवाओं के शरीर के ऊपर बरसाने की जगह अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न किए गए व्यक्तियों के ऊपर बरसाते तो आज जो झारखंड का जो दृश्य है वो कुछ और ही होता। बेटियां आज बेखौफ सड़कों पे जा करके अपना कार्य करती और साथ ही साथ जो युवा है वो किसी ना किसी दफ्तर में बैठ करके अपने घर के लिए भरण पोषण का कार्य करते, ना कि इनको, ना कि ये सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को आपको याद होगा उत्पाद सिपाही की दौड़ में दौड़ा करके किस तरीके से कई घरों का इस सरकार ने चिराग बुझाया है। तो जो अगर यहाँ पे सही ढंग से अगर कार्य किया जाता तो आज झारखंड का दृश्य कुछ और ही दिखने को मिलता मनीष। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, देखिए बात करें जब चुनाव की होती है, एक बार फिर से लगता है शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगता है शशांक से भी संपर्क नहीं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर राफिया नाथ जी की, जब बात आती है क्षेत्र, शहर की बात कर ले, गांव की बात कर ले, तो शहर में आते आते चीज़ें थोड़ी दूसरी हो जाती है, गांव जाते जाते चीज़ें थोड़ी दूसरी हो जाती है। गांव ग्रामीण जो है वो बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं और वहां ग्रामीणों को साधने के लिए, ग्रामीणों से, ग्रामीणों की कोई अपनी अलग समस्याएं हैं, ग्रामीणों को भाई रोड नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको उनकी अपनी एक अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? आप लोग भी यहाँ पर ऐसा नहीं है सत्ता में रही हैं, आप लोग भी सत्ता में रही हैं और इसके इससे अब तो यहाँ पर हेमंत सरकार है, आप लोग भी सत्ता में रही, तो समय रहते क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? देखिए केंद्र की योजना अभी भी झारखंड में चल रही है जिसको ग्राम आदर्श योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत गांवों को हम लोग विकास करते हैं, गांवों को डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। पर बात यहाँ पे यही है ना कि जो झारखंड सरकार है वो हमेशा हमारे केंद्र की सरकार के कार्यों पे बाधा डालती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से हर घर नल योजना जो था, जल योजना हमारा था, उस योजना को इन लोगों ने बंद करने का काम किया, और ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से झारखंड में फूलो झानो योजना को इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाला। तो अगर मेरा आपसे विनती है, अगर कोई आए यहाँ पे, कोई भी कांग्रेस और जेएमएम का प्रवक्ता, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि कहाँ गया उनका फूलो झानो योजना, और इसके साथ साथ
कोई एक योजना बता दे वो जो झारखंड के डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने किया। हम लोगों ने तो जनमन योजना की भी शुरुआत की झारखंड में। रोकना चाहेंगे आपको, शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शशांक, बात यही हो रही थी कि क्या माहौल लग रहा है और मुद्दे क्या है लोगों के दिलो दिमाग में, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं लोग? देखिए मनीष, अगर मुद्दों की बात की जाए तो हजारीबाग का विकास ही हजारीबाग में मुद्दा है और इसी मुद्दे पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। अगर मतदान की बात की जाए तो आज सुबह 9 बजे तक हजारीबाग सदर विधानसभा की अगर बात की जाए, जहां हम मौजूद हैं, तो यहां पर 11% के लगभग का मतदान हुआ है और मतदान थोड़ा स्लो है क्योंकि ठंड का समय है, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी अभी इसी बूथ पर जहां हम अभी मौजूद हैं, बिहारी बालिका मध्य विद्यालय, यहां पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी मतदान किया है और उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि जितना हो सके बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लें और मतदान करें। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। कैसा रहा, कैसा चल रहा है मतदान? अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हम बाकी समय भी रहते हैं लास्ट में लोकसभा के हिसाब से आज कम धीरे, लेकिन यही हो सकता है कि ठंडा के चलते लोग अभी आए नहीं है, दिन में आएंगे। आपने मतदान किया? एकदम बहुत पहले, सबसे पहले आपने। क्या मुद्दा था मतदान? मतदान का यही मुद्दा था कि विकास हो हजारीबाग का, जिस तरह से होते आया है उसी तरह से होते रहे, हजारीबाग जैसे विकास होते आया उस तरह से झारखंड का भी हो। आप तो वार्ड पार्षद भी है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, किस प्रकार से जागरूक किया है मतदान कर? हम यही लोगों को बोलते हैं कि वोट देना एकदम जरूरी है, 5 साल में एक दिन आता है ये, तो क्यों ना हम लोग समय निकाले, आधा घंटा एक घंटा जो भी समय लगे आके वोट देना है। जो भी वोट देने आ रहे हैं हम उनको बोल के भिजवा रहे हैं कि घर का बाकी सदस्यों को भेजा जाए। यहाँ वृद्ध लोग के लिए भी व्हील चेयर वगैरह का व्यवस्था है, हर तरह का, हम लोग बुजुर्ग लोग को खड़ा भी नहीं रखते, तुरंत वोट देकर रिलीज करा रहे हैं। यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने आए और अपना मत का प्रयोग करें और राष्ट्रीय हित में अपना कर्तव्य का पालन करें। देखिए महेश, धीरे धीरे मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, हजारीबाग का एक मतदान केंद्र है, मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी मतदाता को कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अगर अभी 9 बजे तक की बात की जाए तो लगभग 11% का मतदान यहाँ पर हुआ है और लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, आगे सुबह शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। हम भी अपील करते हैं कि जो लोग भी अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं वह निकले और इस महापर्व में भाग लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पीयूष बरकट्ठा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। तो पीयूष, इस वक्त कैसा माहौल है बरकट्ठा की बात करें तो, बरकट्ठा में क्या लग रहा है इस बार और मुद्दे क्या है इस बार, वोट किन मुद्दों पर दिया जा रहा है? सर, बरगट्ठा की बात करें तो बरगट्ठा विधानसभा में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 7 बजे से ही लोग जो है जलपान करने से पहले मतदान की ओर अग्रसर हैं। और अगर बातें करें तो यहाँ के विधान तो देखिए, सीधी सी बात है कि बात करें यहाँ पर, दे हम राफिया नाथ जी का रुख कर लेते हैं तब तक के लिए। राफिया नाथ जी, यहाँ पर देखिए लोग बहुत जागरूक हैं और विकास और इसकी बात कर रहे हैं कि विकास, अब समझने वाली बात है कि विधायक अगर विकास किए होंगे तो फिर वोट मिलेगा, नहीं किए होंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत है। और एक चीज़ और भी, आज चंपई सोरेन हो, अमर बावरी हो, इनकी भी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। जी, और अमर बाबू जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने जो कार्य किया है तो उस कार्य के बेसिस पे जनता उनको वोट देगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हम सदस्य हैं तो हम जनता के बीच में ही जाते हैं कार्य के बेसिस पे वोट मांगने के लिए। और ये जो जेएमएम और जो इंडी गठबंधन है, ये जेएमएम और इंडी गठबंधन ने क्या किया 5 साल में, इन्होंने ये जो कहते हैं अबू आवास, अपने 5 साल में एक बार भी एक सेल्फी तक देखा अबू आवास के साथ? अगर अबू आवास इन लोगों ने दिया, ये तो सिर्फ फोटोबाजी करने में तो ये एक्सपर्ट है, अगर इन्होंने एक भी अलॉट किया रहता तो अभी तक आप सड़क के गली गली में इनके अबू आवास का बैनर और पोस्टर्स देखते। तो ठीक उसी प्रकार से जनता इनको जवाब देगी और इसका जवाब जो मिलेगा वो 23 तारीख को हम और आप बैठ करके यहाँ फिर से डिस्कशन करेंगे। तो नहीं तो यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि आप लोग भी कह रही हैं, आप लोग भी फील्ड पर रही हैं,
देखिए बार बार बात इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज को साधने की बहुत कोशिश की गई है, सबने आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की है, तो ऐसे में आप लोगों ने ऐसा आदिवासी जो महिलाएं उनके बीच में जाकर क्या कहा है कि जिससे कि आदिवासी समाज आपके साथ जुड़े? देखिए आदिवासी भाई बहनों को शिक्षा की अगर हम बात करें तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यूजी से पीजी के नाम पर ठगा गया। वहीं अगर आप हमारी सरकार की बात करें तो आपको याद होगा कि एकलव्य स्कूल की जो स्थापना खास करके यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के डेवलपमेंट के लिए की गई थी, तो आप देखेंगे कि उस विद्यालय में किस तरीके से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ साथ खूंटी में इतना बड़ा सोलर प्लैनेट इंस्टॉल कर दिया गया, सोलर प्लांट जिसके तहत खूंटी के तहत उनके उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। तो इस तरीके से आदिवासी भाई बहनों के लिए हम लोगों ने काम किया है, जनमन योजना हो, यहाँ पे जो कृषि से उत्पाद किए हुए आदिवासी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आदिवासी भाई बहन खेती करते हैं उसको हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट देने का काम किया, तो ये सारे काम हम लोगों ने किया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे झारखंड सरकार ने क्या है, झारखंड सरकार ने तो यहाँ के युवाओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया। ये पलायन की बात आपने कही, अभी हम आते हैं आपके पास। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। पीयूष क्या किस तरह का लग रहा माहौल, और देखिए अभी यहाँ पर बात की जाए पलायन की भी बात आ रही है, तो क्या पलायन भी मुद्दा है इस बार? जी सर, मुद्दा की बात करें तो प्रवासी मजदूर जो है यहाँ से बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और समस्याएं बनी रहती है। अगर बातें करें तो बगथा विधानसभा क्षेत्र का माहौल इस बार कुछ अलग है, समीकरण यहाँ का अलग है, मतदाता जागरूक हो चुके हैं और सुबह 7 बजे से ही जलपान से पहले ही मतलब वोटिंग कर रहे हैं। मुद्दे क्या है इस बार पीयूष? मुद्दा सर यहाँ विकास को लेकर के अभी भी जो है पुराने मुद्दे ही है, सड़क का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र सुईकुंड के विकास का मुद्दा हो, NH2 की मुद्दा है, मुद्दा बहुत प्रकार से यहाँ पर लगे हुए। और कुछ लोग हैं आपके पीछे, उनसे भी बात कीजिएगा और उनसे पूछिए कि आखिर जो वोट करने आए हैं तो किन मुद्दों पर ये वोट करने आए हैं। जी जी सर, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है, महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस बार, क्या कहना चाह रही हैं, किन मुद्दों पर बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है इसका वोटिंग किस मुद्दे पर कर रहे हैं, अच्छा किस पर दीजिएगा इस बार, विकास के नाम पर वोट देना है या फिर यहाँ के? आप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बोलने के ही में नहीं है, लेकिन मतदाता जागरूक हो चुके हैं इस बार यहाँ पर, विकास के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और करीब हम अभी बिलकप्पी के स्कूल से जुड़े हुए, यहाँ पर 3 बूथ है, तीनों बूथों में करीब 10-15% से ऊपर मतदान हो चुका है, मतदान चल रहा है। अच्छा, पिछले बार 2019 की बात करें और अभी की बात करें तो क्या अंतर दिख रहा है आपको इस बार? अंतर काफी है, अगर अंतर नहीं होती तो यहाँ पर करीब इस बार 20 प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ से करीब 4-5 बागी लोग थे जो भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण मैदान में आए हैं, और भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी दावा कर रहे हैं कि इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं। सभी दावा कर रहे हैं पीयूष की चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखिए बार बार जब बात होती है विकास के मुद्दे पर, ग्रामीण कहते हैं हम वोट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब तक जब वो जाते हैं तो सिंबल पर वोट करके चले आते हैं कि सिंबल, उनको ये लगता है कि नहीं जी हम इनको शुरू से करते आए तो इनको करेंगे, इनको करते आए इनको करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि वोट वास्तव में विकास पर, शिक्षा पर, रोजगार पर होता है? जी, यहाँ की जनता जो है इस बार बदलाव की ओर है और लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो विकास के नाम पर ही वोट मिलेगा, बड़ी बड़ी पार्टियां अगर अपना यहाँ पर तरह तरह का जो प्रलोभन दे रही थी उससे लोग दूर हैं, इस बार कुछ अलग माहौल यहाँ का समीकरण कुछ देखने को मिल रहा है अलग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बात की जाए ओवरऑल, सबसे बात यही है कि
विकास के नाम पर ही जो है वोट कुछ कह रहे हैं होगा इस बार, आपने कितना विकास किया है, कितना आप इस बार आप काम किए हैं, अगर सरकार ने काम किया है तो सरकार को वोट देंगे, विपक्ष अगर अपने मुद्दों को भुनाने में रहा है तो विपक्ष को वोट किया जाएगा। तो इस बार ओवरऑल 2019 और 2024 के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई दिग्गजों का जो भविष्य है वो भी दांव पर है इस बार। 2024 का विधानसभा चुनाव कई लोगों की जो है राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। तो हम आपको बता दें, चंदन क्यारी से अमर बावरी बीजेपी, उमाकांत रजक जयमंग से अर्जुन राजवार जो है वो चुनावी मैदान में, डाल्टनगंज से है आलोक चौरसिया, के एन त्रिपाठी कांग्रेस से, दलजीत सिंह जो है वो भी चुनावी मैदान में है। तो रामेश्वर उराव चाईबासा से बात कर ले, तो दीपक बिरुआ जेएमएम से, गीता बलमुचू बीजेपी से वो चुनावी मैदान में, और काफी कांटे की टक्कर है। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें, पूर्णिमा दास साहू बीजेपी, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस, तरुण कुमार डे जेएलकेएम से वो चुनावी मैदान में। तमाड़ से बात करें, राजा पीटर जेडीयू, विकास मुंडा जेएमएम, दमयंती मुंडा जेकेएलएम से वो चुनावी मैदान में। बरही की बात करें, मनोज यादव बीजेपी, अरुण साहू कांग्रेस, उमाशंकर अकेला सपा से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। खूंटी की बात करें, नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी, राम सूर्य मुंडा जेएमएम से चुनाव में। मांडर की बात करें तो शिल्पी नेहातिर की कांग्रेस, सन्नी टोपो बीजेपी, गुन्ना भगत जेकेएलएम से वो चुनाव मैदान में है। सरायकेला से गणेश महली, चंपाई सोरेन बीजेपी से चुनाव मैदान में है। तो काफी कांटे की टक्कर काफी दिख रही है इस बार। और जैसा कि कहा मैंने कि क्या कई लोगों का जो है भविष्य इस बार वो दांव पर है और कई चीजें तय होंगी। दो जैसे ही चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, काफी उठापटक देखने को मिलेगा। तो तो 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, विधानसभा चुनाव 43 सीटों पर हो रहे हैं, अपनी चुनावी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो हमारे साथ आपको बता दें कि विकास जुड़ चुके हैं सिमडेगा से हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। विकास, क्या माहौल है सिमडेगा में और क्या लग रहा है इस बार, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है विकास? जैसा कि बताते चले कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को लेकर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं के अंदर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी हम सिमडेगा के बराबर पानी पंचायत अंतर्गत एक बेलगढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र का ये मतदान केंद्र है जहां पर हम खड़े हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो हमारा आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा होने के बावजूद खेत खलिहान पूरी तरह से सूना हो गया है, बाजार पूरी तरह से सन्नाटा हो गया है। लोग सबसे पहले इस लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादा संख्या तो नहीं है लेकिन फिर भी लोग अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। जी, और देखिए बात की जाए तो विकास एक मुद्दा है, और बात की जाए विकास के बाद और क्या है वहां पर, बिजली पानी पलायन, क्या इन सब मुद्दे को भी ग्रामीण देख रहे हैं वहां के? देखिए, सिमडेगा शुरू से ही सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ क्षेत्र से बिलोंग करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिजली पानी सड़क की तो मुद्दों सुविधाओं की घोर कमी है। कई जगहों पर ऐसे भी है जहाँ पर पगडंडी का सड़क नहीं है, फिर भी लोग वहां से निकल कर इस उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं कि शायद इस चुनाव के बाद उस गाँव की तकदीर बदलेगी। कई गाँव आज भी डिबरी युग में जी रहा है, इस उम्मीद के साथ कि इस बार शायद उनके गाँव में बिजली आएगी। कई गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन इस उम्मीद के साथ इस बार लोग वोट कर रहे हैं कि शायद इस चुनाव के बाद उस गांव की काया पलट। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, विकास बिजली सड़क पानी इन सभी मुद्दों को लेकर जो है ग्रामीण वो
चुनावी जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट करने के लिए मतदान केंद्र जा रहे हैं, वहां पर वोट कर रहे हैं जितने भी वोटर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रामीण बहुत सोच समझ कर वोट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मुद्दे काफी रहने वाले हैं, क्योंकि सड़क एक मुद्दा हो गया, आपका पलायन एक मुद्दा हो गया, ग्रामीणों से बात कीजिए तो उनको कहीं कहीं पर तो सड़क बनी है, नाली नहीं है, पानी की निकासी नहीं हो रही, तो ये सारे मुद्दे जो है एक होने वाले हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस को। नमस्कार।